ये बहादुर बच्चे हैं, लेकिन चोट लग जाती है और हादसे में बच्चे घायल जरूर हो गए हैं और फिलहाल सभी बच्चों को तरावड़ी के अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। कई बच्चों को टांके भी आए हैं, बच्चियां भी हैं, क्योंकि वो प्राइमरी संस्कृति स्कूल है और ऐसे में हादसा कैसे होता है एक बच्चे से जानने का प्रयास करते हैं। बेटा, क्या हुआ था वहाँ पर? एकदम से दीवार गिर गई थी। दीवार गिर गई थी तो आप लोग छत पर थे? हाँ। नगर कीर्तन जा रहा था तो कितने बच्चों को चोट आई है? सात बच्चों को चोट आई है। अब ठीक हो आप? तो ऊपर क्लास वगैरह लग रही थी, ऊपर वैसे ही गए थे आप लोग? अच्छा, क्या कुछ हुआ था? आप इनकी माता जी हैं, क्या कुछ हुआ था आंटी जी, पता चला था? बस ऐसे कह रहे जी, हम देख रहे थे, जंग की लिकट रही थी, वो भी आप देख रहे थे, हम एकदम दीवार गिर गई जी, सारे झुक रहे थे बच्चे जी, बस तो एकदम गिर गई दीवार, सब बच्चों को चोट लग गई जी। सात बच्चों को चोट लगी? सात बच्चों को चोट लगी। तो आप घर पर थे जब पता चला? हाँ जी, इनके सर का वो ना आया जी, मैं खुद गिरली भाग के आई जी। ठीक है बच्चा? ठीक है, तो सही है। एक बार तो डर लगा हुआ होगा? हाँ जी, एक बार तो डर लगा, बिल्कुल दौड़ के आए, भाग गया एकदम। तो आप देख सकते हैं परिवार के सदस्य यहाँ पर पहुंचे हुए हैं, एक बच्ची भी है जिसे चोट लगी है। ठीक हो बेटा अब आप? तो आप देख सकते हैं सिर पर चोट आई है, ऐसे सात बच्चे हैं जिन्हें चोट आई है और टांके भी लगे हैं और फिलहाल अस्पताल में उन्हें भर्ती करवाया गया और बकायदा जो शिक्षा अधिकारी हैं वो यहाँ पर पहुँचे हैं। आप इनके पेरेंट्स हैं, क्या पता चला था सर जब आप? सर हमारे को घर थे, हमने हमारे को पता लगा भाई बच्चों के मतलब बच्चे दीवार से गिर गए हैं, तो हम जैसे प्राइवेट हॉस्पिटल पे वहाँ पहुँचे तो सभी बच्चों को देखे, वहाँ अकेले थे डॉक्टर, उस पर संभले नहीं, तो मैंने सब बच्चों को कवर करके यहाँ ले आया ताकि स्टाफ ज़्यादा ये कवर हो गए। तो मैंने बच्चे से पूछा और से पूछा, एक्चुअली क्लास ना छत के ऊपर लगी हुई थी और वहाँ पर 4 इंची पड़ती है जैसे दीवार होती है, तो नगर कीर्तन के सारे बच्चे पड़ती के पास खड़े हो गए, तो पीछे जोर पड़ गया बच्चों का, तो सात बच्चे जो आगे थे नहीं वो गिर गए, बाकी बच्चे पीछे हट गए, तो नीचे गिर के एक दीवार हो रहा है, उसमें दीवार में किसी का सिर लग गया, किसी का मुंह लग गया, तो चोट काफ़ी आई। हाँ, लेकिन अब बच्चे ठीक है, स्टाफ ने काफ़ी गिरा, बाकी शहरवासी सारे आए हैं, तकरीबन अब बच्चे टांके वगैरह, हाँ टांके वगैरह लगे हैं जी। ठीक हो बेटा आप? है ना, मजबूत रहना है ना, ब्रेव गर्ल है ना। तो आप देख सकते हैं बच्चे हैं यहाँ पर जो बिल्कुल अब ठीक हो जाएंगे थोड़े दिनों में, लेकिन आप देख सकते हैं टांके लगे हैं बच्चों को, किसी को नाक पर चोट आई है, किसी को माथे पर चोट आई है, और जिसने भी इस हादसे को सुना उसका दिल एक बार पसीज जरूर गया कि कौन से वो बच्चे हैं। उनके माता पिता सभी भागे दौड़े चले आते हैं और अब यहाँ पर शिक्षा अधिकारी भी पहुँचे हैं जो जानकारी ले रहे हैं। सर, क्या कुछ आपको जानकारी मिली थी फिर आप यहाँ पर पहुँचे, पहले आप स्कूल भी पहुँचे? हाँ, पहले मैंने स्कूल का भी मुआयना किया और अब मैं बच्चों के पास देखने आया हूँ। बड़ा जो सदमा मुझे भी पहुँचा कि बच्चों के चोट लगी है, अब इस पूरी इसकी जानकारी लेंगे, अगर किसी पूरी इसकी जानकारी लेंगे, अगर किसी का कोई फॉल्ट रहा है तो उसके खिलाफ कार्रवाई भी की जाएगी। तो कितने बच्चों को चोट आई है? अभी सात बच्चों को हमारे चोट आई है, जो भी सारे के सारे यहाँ पर हॉस्पिटलाइज हैं, ठीक हैं, और जो भी आगे कार्रवाई होगी हम उसको करेंगे। कौन सा स्कूल था सर? गवर्नमेंट मॉडल संस्कृति स्कूल त्रावड़ी। त्रावड़ी, हाँ जी। तो बच्चे नगर कीर्तन देख रहे थे सर? हाँ, बच्चे जैसे ही नगर कीर्तन निकल रहा, साथ में बच्चों को थोड़ा चाव होता ही है, तो बच्चे एकदम दीवार की तरफ गए, तो वहाँ से दीवार कहीं ना कहीं कमजोर थी और वो नीचे गिर पड़ी, जिससे सात बच्चों को चोट आई। तो फिलहाल आप मुआयना करने पहुँचे? हाँ, फिलहाल मैं मुआयना करने पहुँचा हूँ, बच्चों से मिल के जाऊँगा, अभी बच्चे सारे ठीक हैं और परमात्मा से ही दुआ करूँगा कि जल्दी स्वस्थ हो जाएँ और बाकी जो कार्रवाई वहाँ बनेगी हम उसको करने का प्रयास। आपका शुभ नाम? और मेरा नाम धर्मपाल है, मैं ब्लॉक एजुकेशन ऑफिसर नीलोखेड़ी। तो आप देख सकते हैं कि ब्लॉक एजुकेशन ऑफिसर यहाँ पर पहुँचे हैं और सभी बच्चों से बातचीत कर रहे हैं, जो भी जिस किसी की भी लापरवाही सामने आएगी उसके खिलाफ कार्रवाई भी की जाएगी। लेकिन एक दर्दनाक हादसा, और दर्दनाक हादसे में सात बच्चे घायल हो जाते हैं। मैम, आपके पास क्या जानकारी आई थी एकदम से सात बच्चे आ गए और क्या पता चला था आप लोगों को? सर, ये हुआ, एक बच्चा ना बाइक पे जैसे ही आया तो हमने देख लिया कि इमरजेंसी आई है, मैं दौड़ी दौड़ी हुई कि 6-7 बच्चे हैं, अभी दीवार गिरी है, तो मैंने सारे स्टाफ को इकट्ठा कर लिया कि बच्चे ज़्यादा हैं, जल्दी आ जाओ। फिर सारे स्टाफ हमारे इकट्ठा होकर सब ने हेल्प को यानी कि कवर कर लिया, सीबी को मैनेज किया और स्टिच भी आए कई बच्चों को, डॉक्टर भी हमारे सारा आल स्टाफ,
तीन बच्चों को स्टिचिंग है, बाकी को ऐसे। फिलहाल तबीयत ठीक है सब? हाँ जी, अब नॉर्मल है, सभी बच्चे सभी स्टेबल। तो आप देख सकते हैं तमाम जो यहाँ पर स्टाफ नर्स थे या फिर डॉक्टर्स थे, उन्होंने भी पूरी मदद की और सभी बच्चे फिलहाल ठीक हैं। टांके जरूर आए हैं लेकिन बच्चे बहादुर हैं और बेहद जल्द वो ठीक हो जाएंगे, लेकिन लापरवाही किसकी, एक बड़ा सवाल। त्रावड़ी के एक मॉडल संस्कृति स्कूल में जो है एक बड़ा मामला सामने आता है, जहाँ पर जो है बच्चे स्कूल की छत पर जो है पढ़ रहे थे, बताया जा रहा है कि वहाँ पर उनकी पढ़ाई हो रही थी, लेकिन साथ में जो है गुरुद्वारे से नगर कीर्तन निकलता है, लेकिन बच्चे जो है उत्साहित हो जाते हैं नगर कीर्तन देखने के लिए, लेकिन उसी समय जो है बड़ा हादसा हो जाता है। बड़ा हादसे में जो है स्कूल पर जो है छत पर बच्चे पढ़ रहे थे, वो जो है दीवार के साथ जो है नीचे गिर जाते हैं, उनमें से जो है 7 बच्चों को चोटें भी आई हैं, उनमें से जो है 3 बच्चों को बताया जा रहा है कि टांके भी लगे, और उसके बाद जो है आनन फानन में जो उनको त्रावड़ी के जो है सरकारी अस्पताल में जो है एडमिट कराया जाता है, और उसके बाद यहाँ पर जो उनका फिलहाल इलाज चल रहा है। कुछ चोटें भी आई हैं, बच्चों से भी हमने बातचीत की है, लेकिन एक बड़ा लापरवाही का जो है मामला जरूर सामने आया, जिसमें जो है 7 बच्चों को चोटें जरूर आई हैं, लेकिन जब उस समय टीचर जो है वो भी उन्हीं के साथ ऊपर छत पर बैठे हुए थे। बच्चे प्राथमिक तौर पर जानकारी ये मिली कि बच्चे कहते हैं कि ठंड हो रही है, हमें ऊपर छत पर ले चलो, लेकिन जैसे ही टीचर उनको ऊपर छत पर लेकर जाते हैं, उसी समय जो है नगर कीर्तन जो है वहाँ से निकल रहा होता है। सब बच्चे जो है एक साथ उठकर जो है दीवार के साथ लग जाते हैं नगर कीर्तन देखने के लिए, लेकिन दीवार पर जो है बताया जा रहा है भार ज़्यादा हो जाता है बच्चों का, उसके साथ जो है दीवार के साथ सब बच्चे जो है नीचे गिर जाते हैं फर्स्ट फ्लोर से, उसके बाद जो है नीचे बच्चे जो है दब जाते हैं, दीवार गिर जाती है, कुछ बच्चों को चोटें आई, इसमें से 7 बच्चों को चोटें आई, कुछ बच्चों को टांके भी आए हैं, लेकिन सभी यहाँ पर जो है फिलहाल सुरक्षित हैं, ठीक हैं। उनके माता पिता यहाँ पर मौके पर जो है पहुँच चुके हैं, उनको जो है फिलहाल इलाज जो है यहाँ पर चल रहा है। त्रावड़ी के नागरिक अस्पताल में जो है सभी बच्चे यहाँ पर पहुँचे हुए, उनका जो उपचार इसी अस्पताल में जो है चलता हुआ नजर जरूर आ रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं ऐसे में जो है टीचरों को स्कूल प्रबंधक को जो है और ध्यान जरूर देना चाहिए, लेकिन कहीं ना कहीं लापरवाही जो है बिल्कुल भी बरतनी नहीं चाहिए। स्कूल की भी हमने आपको तस्वीर दिखाई है, काफ़ी ज़्यादा बिल्डिंग जो है पुरानी भी हो चुकी है, लेकिन वहाँ के जो प्रिंसिपल है उनका कहना है कि कुछ ही दिनों में जो है एक नई बिल्डिंग तैयार हो रही है, लेकिन उससे पहले जो है ध्यान जरूर देने की जरूरत है कि ऐसे में छोटे छोटे बच्चे जो है स्कूल में पढ़ते जरूर हैं, अगर बच्चे जिद करते हैं तो टीचरों को जो है समझाना चाहिए कि उनको जो है छत पर आखिरकार छत पर जो है पढ़ाने के लिए क्यों लेकर गए हैं, क्योंकि एक लापरवाही भी इसको कह सकते हैं कि एक बड़ा हादसा जो है होने से टल जाता है। ऐसे में 7 बच्चों को हल्की चोटें जरूर आई हैं, लेकिन कोई एक बड़ा हादसा हो सकता था, वो होने से जो है टल जाता है। फिलहाल सभी के सभी जो बच्चे हैं नागरिक अस्पताल में हैं, सुरक्षित हैं, कईयों को जो है टांके भी लगे हैं, सिर पर चोट आई हैं, हाथ पर चोट आई हैं, लेकिन सबका इलाज जो है चलता हुआ नजर आ रहा है। हमारी आप सभी से अपील, जितने भी लोग देख रहे हैं इस वीडियो को, आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर करें। मुकुश तेजा, करनाल वीकी न्यूज़, करनाल।